बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि सभा का आयोजन किसान धरने पर किया गया, जहां पर किसान धरने के 356वें दिन बाबा साहेब तेरे सपनों को मंजिल तक पहुंचाएंगे के नारे लगाए गए। कार्यक्रम में एडवोकेट बनवारीलाल बिजानिया, पार्षद सिराज का कायम खानी, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, कॉमरेड राम नारायण रुरानिया, पिताराम जानी, महबूब बड़गुजर, तेजपाल गोदारा, गंगाधर मूड, किशन लाल चरंग, मुमताज काजी, सोहेल गोपालपुरी, आकाश जानी, इस्माइल दैया, दीनदयाल गुलेरिया सहित अनेक लोग मौजूद रहे। किसान धरने पर बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि भी अर्पित करते हुए नारेबाजी की गई। सुजानगढ़ उपखंड कार्यालय से प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के प्रचार रथ को रवाना किया गया। एसडीएम मूलचंद लुणिया और पुलिस अधीक्षक राम प्रताप बिश्नोई ने रथ को हरी झंडी दिखाकर ग्रामीण क्षेत्रों के लिए रवाना किया। एसडीएम मूलचंद लुणिया ने कहा कि जागरूकता रथ के माध्यम से ब्लॉक के सभी गाँवों में किसानों को प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के बारे में जानकारी दी जाएगी और किसानों से भी लेकिन 31 दिसंबर तक रबी की फसल का बीमा जरूर करवाने। इस मौके पर पुरुषोत्तम सुरेश कुमार, शिव भगवान, संदीप दलीप और बीमा कंपनी प्रतिनिधि हनुमान राव मौजूद रहे। सुजानगढ़ के नड़िया बास स्थित बाल भारती कॉलेज में डॉक्टर अम्बेडकर प्रतिष्ठान एवं सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के सूचने से संविधान निर्माता बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर के 66वें महापरिनिर्वाण दिवस के उपलक्ष्य में श्रद्धांजलि समारोह का आयोजन किया गया। संस्था प्राचार्य प्रेम नेहरा ने बताया कि कार्यक्रम में मुख्य अतिथि अतिरिक्त जिला कलेक्टर डॉक्टर नरेंद्र चौधरी रेजर की अध्यक्षता उप पुलिस अधीक्षक राम प्रताप बिश्नोई ने की। विशिष्ट अतिथि के रूप में सभापति प्रतिनिधि मोहम्मद इदरिस गोरी, संस्था सचिव नपारा मुंडा, व्याख्याता धर्म सिंह मीणा, उप सभापति अमित मारोटिया, सूरजाराम डाबरिया, आयुक्त सोहनलाल नायक, सेवानिवृत्त प्राचार्य निमिचंद फलवाड़िया, दिनेश तंवर, कुंदनवल किलेरी आदि मौजूद रहे। मंचस्थ अतिथियों ने बाबा साहेब को समतामूलक समाज का संस्थापक बताते हुए उनके मार्ग पर चलने व उनके बताए सिद्धांतों का पालन करने की अपील की। निदेशक दीपक भास्कर, प्राचार्य प्रेम नेहरा, भगीरथ बामू आदि ने अतिथियों का साफा पहनाकर व प्रतीक चिन्ह भेंट करके स्वागत किया। इस अवसर पर सांस्कृतिक कार्यक्रमों का भी आयोजन हुआ। कार्यक्रम में रजिया बानो, एडवोकेट राम कुमार मेघवाल, भंवर सिंह, मंजू चौधरी, राम नारायण रुलानिया, खालिद गोरी, विनोद माली, रणजीत नारायण माली, नंदराम मेघवाल, कैलाश चीनिया, सुरेश मेघवाल आदि लोग मौजूद रहे। संचालन रामावतार स्वामी ने किया। इससे पहले कार्यक्रम का शुभारंभ बाबा साहेब के चित्र पर पुष्पांजलि व दीप प्रज्वलन के साथ हुआ। भारत सरकार का सामाजिक न्याय और आधिकारिक मंत्रालय, वहाँ हमने एक प्रपोजल भेजा था और उसी प्रपोजल के तहत उन्होंने ये स्वीकृति दी कि आप बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर साहब हैं, उनके 66वें परिनिर्वाण दिवस पर 6 दिसंबर को आप श्रद्धांजलि समारोह आयोजित करें और उसी उपलक्ष्य में हमको जो निर्देशित हुआ है उसी के तहत हमने आज 6 दिसंबर को डॉक्टर भीमराव अंबेडकर प्रतिष्ठान और सामाजिक न्याय व अधिकारिता मंत्रालय भारत सरकार के सौजन्य से बाल भारती कॉलेज सुजानगढ़ में 66वें परिनिर्वाण दिवस पर हमने ये श्रद्धांजलि समारोह रखा और सफलतापूर्वक आयोजित किया। राजकीय मास्टर भवनलाल मेघवाल कन्या महाविद्यालय के छात्राओं के अध्ययन के लिए पर्याप्त सुविधाएं नहीं मिलने के कारण छात्राओं को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। छात्राओं ने अपनी विभिन्न मांगों को लेकर आवाज़ बुलंद की है। महाविद्यालय परिसर में छात्रा नीलेश सोनी, तानिया, शुभम, नंदिनी आदि ने नारेबाजी करते हुए कहा कि हमारे विषय अध्यापक नहीं है, इसके लिए हम विधायक के पास गए लेकिन हमें संतोषजनक जवाब नहीं मिला है। छात्राओं ने बताया कि न तो उनके पास किताबें और न ही आवेदन पत्र में भरे गए सब्जेक्ट उनको आवंटित किए जा रहे हैं। दूसरी ओर पीने के पानी तक की समस्या का जिक्र छात्राओं ने करते हुए समस्याओं का समाधान तत्काल करवाए जाने की मांग प्रशासन से की है। इस दौरान नीलेश सोनी, शुभम, नंदिनी तेजस्वी, निकिता सेन, तानिया वाकोलिया, यामिनी गुगरवाल, निकिता कंवर, नीतू कंवर, शमाना खिच्ची, खुशी पारिक, इंदिरा बिरडा सहित अनेक छात्राएं मौजूद रहीं। दूसरी ओर छात्राओं ने बताया कि इस संबंध में हमारा एक प्रतिनिधि मंडल विधायक मनोज मेघवाल से सुबह मिला था, जिस पर उन्होंने केवल किताबों की समस्या का जल्द समाधान करने का आश्वासन दिया है। छात्राओं ने बताया कि सब्जेक्ट आवेदन पत्र में दिए गए आवंटित करने की समस्या के बारे में विधायक निवास पर कई नेताओं ने हमें यहाँ तक कह दिया कि आप टीसी कटा लो। ऐसे में सोचने वाली बात यह है कि समस्याओं के प्रति सुचिता की कहीं ना कहीं कमी है, जो खुद अपने आप में एक समस्या बनकर सामने आ रही है। बहुत सारी प्रॉब्लम है। ये कॉलेज खुले हुए हो गए कम से कम 2 महीने, हमें अभी तक
सारी फैसिलिटी भी नहीं मिली, न बुक्स मिली, न स्टाफ है, न टीचर्स है, न कोई बैठने की व्यवस्था भी अच्छे से नहीं है, न कोई टीचर्स है। और आज हम सुबह MLA जी के घर पे गए थे, मनोज जी के घर पे, तो उनको हमने हमारी सारी समस्या भी बताई, तो मनोज जी ने हमें एक ही बात बोला, सब्जेक्ट तो चेंज होंगे नहीं, और फिर आप देखो, फिर या तो फिर मैंने कहा अभी हम TC लेके जाएंगे, तो बोले ले लो TC हमारी के और बच्चे आ जाएंगे, तो ठीक है, तो फिर हमें तो धरना दे लिया, या तो कॉलेज बंद कर दो या हमें हमारी मांगे पूरी करो, नहीं तो हमें सब्जेक्ट चेंज हो रहे, जो सब्जेक्ट हमें चाहिए वो भी हमें सब्जेक्ट नहीं मिले, देख लो इतनी बच्ची है और भी अंदर, और भी है, लेकिन वो आ नहीं रही, वो उनको डर लगता है टीचर का, लेकिन ये बात गलत है एकदम, इन लोगों की ये अपनी मनमानी कर रहे हैं सब भी सब्जेक्ट को लेके। हमने जो सब्जेक्ट लिए थे वो तो सारे चेंज कर दिए गए, लगभग सारी लड़कियों, सिर्फ 6 लड़कियों के सब्जेक्ट हुए हैं सही, बाकी सारे वैसे के वैसे कर दिए, ऐसे थोड़ी ना पढ़ा जाता है, और ना स्टाफ है यहाँ पे, क्लासेस सिर्फ 2 क्लास होती है, उनमें से कई लड़कियाँ ऐसी जिनके क्लास है वो सब्जेक्ट है ही नहीं, जिनकी क्लासे हो रही है, और ना ही बुक्स भी नहीं है हमारे पास, सब्जेक्ट चेंज नहीं होगा, आपको TC लेनी है, हमने TC एडमिशन कराने के लिए।